नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। माता की भेंटों को लेकर अक्सर जो है गायक अलग अलग तरह की भेंटें निकालते हैं और वहीं आज एक और भेंट जो है प्रेस क्लब में यहां पर इसका रिलीज होने जा रहा है, जोत जगे दरबार। आइए आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियाँ और जानते हैं इस म्यूज़िक के बारे में कुछ। माता रानी की कृपा करने अस इतने एक भजन रिलीज करने, वो भजन है जोत जगह दरबार, जिसे लिखे दा श्री इंद्रजीत केसर जी ने और जिदा संगीत तैयार किया दा अर्गेश आनंद जी ने। पहला गीत माता रानी की कृपा करने, माँ के चरण का आशीर्वाद लेइए और अगे बढ़ने की कोशिश करा करता है। अज के चीफ गेस्ट मैडम जड़िया साड़िया सबका मंत्री रही हैं, मिगी सबका आखते इशियाँ खिंचिए लगती है। मैं ईश्वर अगर प्रार्थना करना कि जल्दी जल्दी चुनाव हो सीधे अपने उद्योग प्राण अस बड़ी शान करने आखे साड़ी मंत्री रिक्वेस्ट करिए इन्हें सदे का। और इन्हें च खासियत यह है कि जिस तरह कोई इनके को चली जाता ये ना नहीं करते हैं, बशर्त है कि टाइम होना चाहिए करा करने हैं। इसी की दिखते हैं और टीम जम्मू कन्नै बावस्था ने उनके प्रधान भी हैं श्री जरावर सिंह जी चंपाल, इनका स्वागत दुनिया देते ही करा करते हैं सारे। लकी जी वीडियो डायरेक्टर, शुभम सिंह जी एडिटेड बाय भूपिंदर सिंह जी, रिकॉर्डिंग कृष्णा डिजिटल स्टूडियो, ऑडियो मिक्स मास्टर गौरव बीट स्टूडियो करना। मैं बाकी भूली गए साढ़े इतने बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े गीतकार और बड़े बड़े कहानी लिखने वाले और संगीत कहने जुड़े लोग जो अज इतने आए हैं। ए पोस्टर रिलीज होआ दा, प्लीज सारे अपने चेहरे पर स्माइल रखन, स्माइल उस तरफ आ जा। और इनकी मेहनत है जी रंग लिया, मीडिया से एक जोर की ताली होनी चाहिए है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज यहाँ पर जोत जगे दरबार का जो है सॉन्ग रिलीज हुआ है, जानते हैं इनसे बात करते हैं। मैम, आज जोत जगे दरबार सॉन्ग रिलीज हुआ है, क्या कहें? मैं मुबारकबाद दूंगी हरिहंस जी को जिन्होंने बहुत ही मधुर स्वर में इसको गाया है। म्यूजिक डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे से इसको संजो के जो है इसको सुरों के ताल में बनाया है। खासकर हम सब इस बच्चे को जो खुद राकेश आनंद जी का सुपुत्र है बहुत बहुत बधाई भी देंगे कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने कला के प्रति अपनी जो जिज्ञासा को बताया भी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मधुर आवाज़ के साथ उन्होंने गाया है, माता रानी इनको और ऊँचाइयों पर और तरक्कियों पर लाए। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अपने लेवल के ऊपर स्ट्रगल करते हुए कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार करूंगी कि इस तरह की प्रतिभा को कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी समझे और कहीं ना कहीं एकेडमी से द्वारा या आपके दूसरे जो चैनल्स हैं इनको मंच साझा करने का मौका दिया जाए ताकि इनको मंच मिले, चाहे इंटर स्टेट मिले, चाहे नेशनल लेवल पे पड़े इंटरनेशनल लेवल पे मिले, कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को उस तरह का प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए। हम जो भी हमारी तरफ से होगा आज हमारे साथ, हम सब मिलकर इस बच्चे को आशीर्वाद देने आए हैं और हमेशा से माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि आज सिर्फ है हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है और मैं दोबारा से ये प्रार्थना करूँगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनकी हैंड होल्डिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से हो। युद्धवीर सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर जोत जगे दरबार सॉन्ग रिलीज हुआ है, क्या कहेंगे? मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस युवा कलाकार हरियाणा जी को। राकेश जी इनके जो फादर साहब हैं वो तो वैसे प्रसिद्धि का एक नाम है यहाँ पर। आज पूरे
इस जो कलाकार समाज ने आके जो इनको आशीर्वाद दिया, वो जो जो जगह दरबार में यहाँ से इन्होंने शुरुआत की, और इसका हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी, कलाकारी भी इनके अंदर है, संगीत भी इनके अंदर है, और आने वाले समय में माँ के आशीर्वाद से जिस प्रकार मोहम्मद रफ़ी और हमारे बड़े बड़े किशोर कुमार जी जैसे सिंगर हुए, मैं चाहता हूँ कि ये जो जम्मू का लाल है इसी स्थान पर पहुँचे, और ऐसा लगता भी है क्योंकि जो आशीर्वाद इनको यहाँ पे आप देखें जो बड़े बड़े सिंगर ने दिया है, और मेरे को नहीं लगता कि इनको किसी चीज़ की कमी रहेगी, अभ्यास की कमी रहेगी, और ऐसा कलाकार आगे ही बढ़ेगा। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आज मिर्जा प्रिया जी हैं, जोरावर जी हैं, हमारे आदरणीय केसर साहब, हम सब ने मिलकर जो इसका विमोचन किया है, मैं फिर एक बार अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ इनके परिवार को। जी आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर माता की भेंटें जो हैं, एक जो व्यस्क है इंसान वो गाते हैं, लेकिन इतने छोटे से बच्चे जो कि माता की भेंट गा रहा है और खुद पिक्चराइज भी कर रहे हैं, कैसा लगता है जब इतने छोटे बच्चे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे? ये एक ऐसे परिवार से हरिहंस जी आते हैं जिसकी एक लिगेसी है। इनके जो पिता श्री हैं बहुत अच्छी बांसुरी, जो कि नेशनल इंटरनेशनल स्तर तक उन्होंने अपनी प्रसिद्धि कमाई है, ये उस परिवार से हैं, और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी छोटी एज में जब बच्चों को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है, तो ये हमारा बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो इसकी कला है, अपना जो आर्ट है, अपने माता पिता और बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से आज इतनी छोटी उम्र में जो इसने पहली जो भेंट गाई है, हमें उम्मीद है कि माता रानी के आशीर्वाद से आने वाले समय में साथ साथ में ये पढ़ेंगे और अपनी कला की क्षेत्र में वो तरक्की करेंगे कि जम्मू का नाम अपने पिता की तरह, अपने बुज़ुर्गों की तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाएंगे। और ये भी बहुत अच्छी बात लगती है क्योंकि आपको पता है कि टीम जम्मू डोगरी लैंग्वेज, डोगरा कल्चर, डोगरा हेरिटेज को भी ड्रग अब्यूज़ कैंपेन के साथ साथ हम अपनी हेरिटेज और कल्चर को प्रमोट करते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी जो सेकेंड जनरेशन है, जो सेकेंड लाइन जनरेशन है, वो भी माँ बोली डोगरी की तरफ उतनी ही आकर्षित है, और इस जो मीठी ज़ुबान को जो है वो एक 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 ऐसे प्लेटफॉर्म से इतनी दूर लेके जा रहे हैं, और उम्मीद करेंगे हरिहंस जी और भी भाषाओं में गाने गाएं, भेंटें गाएं, भजन गाएं, लेकिन अपनी माँ बोली डोगरी को हर साल एक कोई ना कोई इस तरह की जो छाप जो है वो छोड़ते जाएंगे। हम बात करेंगे जो इस सॉन्ग के सिंगर हैं हरिहंस जी, इनसे जानते हैं, आपसे जानना चाहेंगे इतनी छोटी उम्र में माता की भेंट गाना, जहां बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे बड़े व्यस्त रहते हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर बड़े व्यस्त रहते हैं, इस तरह ऐसा ख्याल आपके दिमाग में ये कैसे आया? पापा ने बोला था कि गाओ, तो गा दिया। तो ये जब ये गाना गाया तो कैसा लगा? अच्छा लगा। बोल हमारे दर्शकों को सुनाइए। ज्योत जगे दरबार माँ तेरी, ज्योत जगे सोने सुंदर थार माँ तेरी, ज्योत जगे ज्योत जगे दरबार माँ तेरी, ज्योत जगे। ये किताब, ये भजन जड़ा है मैं लिखा है, ये भजन लिखे 18 साल पहले। जियां बच्चा पैदा होता है तो नसीब वे कन्ने कन्ने लिखोई जाता है, 18 साल पहले का जो भजन लिखोया तो ये नसीब च ये मुड़ा के इन्हें पहले इे गीत गाना है भजन, तो 18 साल के बाद ये भजन ये बार पर चढ़िया है, और इतनी अच्छी आवाज़ है, मैं चाहना कि ये नरेंद्र चंचल पंजाबी च भजन गाए गाइए, पूरी दुनिया छाया ये सारे जम्मू का नरेंद्र चंचल बना, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज यहाँ पर प्रेस क्लब में, यहाँ पर आज जोत जगह दरबार जो है भजन रिलीज हुआ है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्साहित देखे जा रहे हैं, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अब जो बच्चे हैं ये कला की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।